नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अवैध संबंध का विरोध करने पर पति को बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना बकेवर थाना के जरारा गांव की है। बकेवर थाने के जरारा गांव में पत्नी ने अवैध संबंध का विरोध करने पर बेटे संग मिलकर पति की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पत्नी और बेटे को हिरासत में ले लिया है। बकेवर थाना क्षेत्र के जरारा गांव निवासी सुजीत कुमार, उम्र 48 वर्ष, दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे। दिल्ली से शुक्रवार को घर लौटकर आए थे। पुलिस के मुताबिक सुजीत कुमार की पत्नी आरती का चाल चलन ठीक नहीं था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में शाम को विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरती ने बेटे रवि के सहयोग से मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी। फतेहपुर जिला बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजीत कुमार, जिनकी आयु 45 वर्ष की है, उनकी हत्या उनके पुत्र और पत्नी ने कर दी है। दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।